ये बैठे हुए हैं दाने के लिए। नीचे मैं दाना दे रही हूँ। अब सब उतर रहे हैं दाना खाने के लिए। एक सफेद कबूतर था, वो दिख नहीं रहा, शायद वो कहीं और चला गया होगा, क्योंकि इससे पहले भी दाने मेरे हस्बैंड ने दे दिया है। एक एक करके कबूतर साथ, हाँ ये रे, सब बंदरों की तरह लटक रहे हैं। देखो इनमें से एक है, लड़ने के लिए तैयार है। कितनी बातें उसे करनी है। बहुत बातें करना है इसे, सुबह ही शुरू हो जाता है, इतना बातूनी है, सुबह ही बकबक करनी इसकी शुरू हो जाती है, बकबक करने की। क्यों मिमी सिमी, वो भी लटक रहा है, वो भी लटक कर मुझे ही देख रहा है। लो अब आपस में हलचल मच गई, क्योंकि मैं इनके पास कैमरा लेकर गई। नहीं, इन्हें इनके काम उसमें छोड़ देते। वो अंदर से भी एक निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर था गैलेक्सी, यहाँ से भागकर उस तरफ गया और वहां जाकर अपनी धुन निकालने लगा। हम मतलब सुबह 5-5:30 बजे से जगता है, जगने के बाद से इसकी आवाज बंद ही नहीं होती, ये कंटिन्यूअस ऐसे ही करता रहता है। पता नहीं इसमें इतनी एनर्जी कैसे आती है। देखो मेरे मुझे देखा तो बस उसने आवाज करना शुरू कर दिया। गैलेक्सी अब इसके ऊपर आ गया, अपना राग आलापने होते हैं ना, सबसे ऊपर की चोटी पर बैठकर राग आलापते हैं शास्त्रीय संगीत का। ये भी देखो कितना अच्छा अपना राग आलापता है। इसे सिर्फ फुर्सत नहीं मिलती अपने राग आलापने से, सुबह से आंखें खोलता है उसके बाद से उसकी ऐसी ही बकबकानी शुरू हो जाती है। इनके बारे में इतना तो मुझे खास पता नहीं है, लेकिन ये देखो एक दूसरे के बाल खाने में मस्त है, वो खुजली करने में मस्त है, और ये गाने गाने में मस्त है। पूजा तो खत्म हो गई। ये है मेरा छोटा सा मंदिर। और वहां पर मेरे छोटे छोटे देखो चढ़ रहे हैं सब, तुलसी की डाल खा रहा है ये छोटा सा मुन्नू। तुलसी की डाल इन्हें बहुत पसंद है, कितने स्वाद लेकर खा रहे हैं ये देखो। दोनों खींचमता ही, अब तीसरा भी आ गया इसमें। सोच रहे मैं आऊं या नहीं, लेकर भागा भागा। लो गिरी गए नीचे, वातावरण बिल्कुल एकदम शांत हो गया है। यहाँ एक बिल्ली बैठी हुई है जो अपने शरीर को खुजला रही है, बिल्ला ही है, खुद को साफ सुथरा बना रहा है। बारिश का मौसम है, चलो ये दाने हैं और टेडी, अभी मैं फ्री हुई हूँ थोड़ी देर के लिए उनके साथ वक्त बिताने के लिए। टेडी चलो आ जाओ, काय लो मुझे देखकर उनके मम्मी पापा तो अंदर घुस रहे हैं, किट्टू और मिट्टू। घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ
मैं टेडी को लेने आई हूँ। टेडी मिल लो टेडी से और चुन्नू। सिमी नीनी तुम में से कौन है? हाँ टेडी, क्या तू तू अभी तो वो थोड़ी देर देखेंगे, इधर उधर घूमेंगे। इनकी भी शैतानियां शुरू हो गई। मुन्नू भी आ गया है उतरने के लिए। मुन्नू आजा, आजा मुन्नू, आओ मुन्नू, आओ 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 आओ। मुन्नू को उतार लिया मैंने। आप लोग आओगे? आओगे? आपको किसी को आना है? लो मुन्नू उड़ने लगा, मुन्नू के साथ सब कुछ उड़ने लगे। मुन्नू उड़ने लगा है, अब फिर से जाकर मुन्नू वहीं पर अटक गया, उसे उतारना पड़ेगा। आजा 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 मुन्नू, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लो। ओहो हाँ, मुन्नू हाथ में आ गया मेरे। मुन्नू हाथ में बैठ गया है, वो फिर से उड़ा। मुन्नू सब उड़ रहे हैं, ये छोटी सी जान इसको भी उड़ना है। लो लैंडिंग ठीक से हो नहीं रही, इधर उधर धक्का खा रहा है, लैंडिंग नहीं हो रही, फिर भी इसे उड़ना है। हाँ ठीक से लैंडिंग करना तो सीख लो। भैया के प्रेस का तो हैप्पी एंडिंग करने के लिए, बाप रे बाप, टेडी तो हर चीज को जो वो कर रहा है, उसका शायद टेस्ट करने का ही नजरिया ऐसा है कि वो हर चीज को काट काट के टेस्ट करता है। टेडी आजा, लो इससे काम नहीं बन रहा, वहां पर जा रहा है। यहाँ पे चुन्नू इस लकड़ी के टुकड़े को काटने की कोशिश कर रहे, ऊपर मैंने दाने दिए उसको नहीं खाना, इग्नोर उसको। लो दोनों को जब तक मेरे इसका काम तमाम नहीं करना होगा तब तक ये इसको लेकर पड़े रहेंगे। मैंने इसको पकड़ के रखा है, मुन्नू को बहुत उड़ रहा है, शैतान है ना, सुनता ही नहीं है, कहाँ चोट लग जाएगी, इधर उधर धक्का खा रहा है। इसकी लैंडिंग तो ठीक हो नहीं रही अभी तक, जहां भी जा रहा है धक्का ही खा रहा है। इसे कुछ दिखता नहीं है ना कि पता नहीं। दोनों ऊपर लटक गए, चलो उतरो, आओगे? नहीं इसे तो उड़ना है, वो तो उड़कर, लैंडिंग इसकी ठीक से होती नहीं है, इधर उधर खाली धक्का खाता है ये। हाँ छोटा सा है, इधर उधर धक्का खाता है। टेडी तुम भी उतरो, आ जाओ आ जाओ। मन्नू को पकड़ना पड़ता है, नहीं तो मन्नू डरता है, ऊपर से ऊंचाई से डरता है मन्नू। आ जाओ मन्नू 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 मन्नू, हाँ चलो मन्नू, आ जा तू भी इधर, आओ बेटा आ जाओ, हाँ जाओ जाओ जाओ। थोड़ी सी आवाज होती कि नहीं ये उड़ने लग जाता है, हल्का वहां से आवाज आती है इसके घर से तो उड़ने लगता है, इतना डरता है, इतना डरपोक है। आप इनकी मस्तियों को इस तरह से ही देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो मैं फिर आपके लिए यही सब ला सकूंगी ऐसे ही। इनमें मारपीट शुरू हो गई, टेडी सबको पीट रहा है, भगा रहा है। कुछ शैतानी करेगा तो दूसरों को नहीं करने देगा।
आज बहुत चल रही है इनकी दावत। टेडी को पता नहीं इससे क्या दुश्मनी है, सब इसको ही मार रहे हैं। बेचारे के वैसे ही वो फेदर ऊपर उखड़ गए हैं और सब इसकी धुलाई करते रहते हैं। चलो ये फिर भी अपनी दुनिया में मस्त है, इसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। टेडी एक दाना लेकर मुंह में करके चला गया, वो उसे बाहर आराम से खाएगा। खूबसूरती का ध्यान रख रही है, अपने फेदर को साफ किए जा रही है नहीं ज्यादा, चंद है इसके शरीर में बाल, लेकिन उसी को वो साफ कर रही है। फेदर को जितने हैं उतने हैं ना, और उसे तो खाने से मतलब है, उसके पास हो या ना हो फेदर। इनकी शैतानियां, इनकी मस्तियां, आज के लिए इतना ही रहेगा एपिसोड। कल फिर नए एपिसोड के साथ आएंगे। वैसे मैं नई ब्लॉगर हूँ, मैंने अब आज सेकंड मेरा एपिसोड चल रहा है। इसके अलावा भी मैं और भी ज्यादा और भी दूंगी अपने जीवन के, मैं कह रही हूँ ना, सुकून के पल में दूंगी, जिसमें मुझे अच्छा लगता है, जो चीजें मुझे देखने में अच्छा लगता है, जो चीजें मैं फील करती हूँ, मैं उन सब चीजों को वीडियो में देना चाहती हूँ। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इनकी शैतानियों को देखने के लिए, और मेरे दूसरी चीजों को देखने के लिए। सभी गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, गुड नाइट बोल दो। आज के लिए खाना खत्म, आपके लिए खाना खत्म। आज के लिए सभी को गुड नाइट बोल दो और कहो कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ 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 हाँ, तभी तो जाकर सब कारनामे दिखेंगे। हाँ, गुड नाइट, आज के लिए इतना ही। मेरा ये सेकंड ब्लॉग खत्म हो रहा है, फिर कल नया ब्लॉग के साथ मैं आऊंगी। बाय, गुड नाइट टेडी, गुड नाइट। हाँ, तुम अपने पंखों को ठीक करती रहो।